हम छोटे हैं तो क्या हुआ, सरकार हर हिलती हुई चीज हमें अपने खाने का सामान ही नजर आती है। भाई ये डायलॉग निकला भले ही मेरी जुबान से है लेकिन किसी और का है। दरअसल ये डायलॉग है जंगल के एक पिद्दी से शेर जिसे आप मोंगूज कहते हैं। हाँ वही मोंगूज जो सांप के लिए काल और बाकी जानवरों के लिए आफत है। सामने चाहे खरगोश हो या मॉनिटर लिजार्ड, ये छुटकु सा मोंगू इतना खतरनाक होता है कि एक बार किसी को हिलता हुआ देख ले तो उसका टेस्ट लेकर ही दम लेता है। मोंगूज जितने छोटे होते हैं इनका हमला उतना ही डरावना और खतरनाक होता है। शिकार की आत्मा बाहर निकले या हड्डी मांस, मोंगूज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज हम आपको इस बेरहम शिकारी के कुछ शिकार दिखाना चाहते हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे भाई ये क्या चीज है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर वन, दोस्तों मोंगूज दिखने में भले ही छोटा है लेकिन इसके कारनामे इतने बड़े हैं कि जंगल के सबसे बहादुर खतरनाक और खूंखार शिकारियों में स्पिद्दी के नाम का ऐड किया जाता है। इसका अंदाजा आप इस क्लिप से भी लगा सकते हैं जहाँ ये पिद्दी अपने से कई गुना बड़ी लेजर्ड को जमीन पर घसट घसट कर दूसरे लोक में पहुंचा रहा है। नंबर टू, फाइट भले ही साफ नजर ना रही हो लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ भी मोंगूज छिपकली के तार हिलाने में लगा हुआ है। यूं तो लेजर्ड खुद को बचाने के लिए हाथ पर मार रही है लेकिन इस पिद्दी के आगे उसकी कहाँ चलने वाली है, आखिरकार जीत मोंगूज की ही हुई। नंबर फोर, दो तीन छिपकलियों को मार क्या लिया, मोंगूज भैया तो ये समझ बैठे कि जंगल में उनसे बड़ा कोई ताकतवर ही नहीं है, इसलिए बच्चे के बाद अब बच्चे की माँ के पास आ पहुँचे। आप तो देख ही रहे हैं कि मॉनिटर लिजार्ड का साइज मोंगूज लाला से कितना बड़ा है, पर इस लाला को तो उंगली करने की बुरी आदत है, सो कर दी। अब देखिए युद्ध छिड़ चुका है, पर एक बात बताऊं, यहाँ मोंगूज की नहीं चलेगी, अंत में उन्हें भागना ही पड़ेगा। लेकिन आप मत भागिए, अभी तो बहुत से क्लिप बाकी हैं जो आपको झटके पर झटके देंगे, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर फाइव, चलिए अब बारी आती है उस क्लिप की जो मोंगूज लाला के साथ साथ मेरी भी फेवरेट क्लिप है। वैसे आप लोग जानते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग किस जानवर से डरते हैं, मैं बताता हूँ, उसका नाम है सांप। जी हाँ, नागराज ये वो नाम है जिसके सामने आते ही पसीना पीशू सब बाहर आ जाता है। लेकिन मोंगूज एक ऐसा प्राणी है जिसे हमारे लिए ही धरती पर भेजा गया है। अरे क्योंकि ये सांप को मिनटों में ऐसे ढेर करता है जैसे सांप सांप नहीं बल्कि चींटी हो। देखिए आज ये सांप खुद चलकर अपने काल के पास आया, देखिए और ये खेल खत्म। देखिए अब चल रहा है मोंगूज का ब्रेकफास्ट। नंबर सिक्स, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो मोंगूज को उड़ते उड़ते खबर मिली कि कोबरा मस्त अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा है। बस फिर क्या था, मोंगूज जनाब घुस गए कोबरा के घर में। अब कोबरा का मुंह ऐसे फट रहा है जैसे उसने मोंगूज नहीं बल्कि यम को देख लिया है। देखिए कैसे हमला कर रहा है, पर एक बात बताऊं, ये हमले में यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कोबरा जी जानता है कि अगर दो मिनट वो यहाँ रुके तो सांसों का मोह माया छोड़ना ही पड़ेगा। नंबर सेवन, आइए इधर आइए, देखिए ये छुटकू स्क्वायरल कैसे पीछे से हमला करके मोंगूज जैसी बनना चाहती है। पर अफसोस कि सांप के एक उछाल में सटकली, पर सांप इस बात से अनजान है कि ये तो छलावा था क्योंकि सफेद मोंगूज सामने से आ रहा है जो अब इससे जमकर दो दो हाथ करेगा। नंबर एट, ये तो बात रही सांपों की, अब जरा मोंगूज की कुत्तों से हो रही लड़ाई भी देख लीजिए। ये कालू डॉगी ने ठानी है कि आज स्पिद्दी मोंगूज को तो मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगा। सो देखिए कैसे उसके पीछे पड़ा है, लेकिन मोंगूज भी कम नहीं है, उछल उछल कर कुत्ते को बार बार चोट दे रहा है। आखिरकार कुत्ते के मुंह पर ये पिद्दी इतना चोट दे चुका है कि कुत्ते के मालिक को आकर उसे चेक करना ही पड़ा। नंबर नाइन, ये तो कुछ भी नहीं, आप इस बूरी को देखिए जो जमीन पर लोट पोट होकर रस्सी से बंधे मोंगूज को चैलेंज कर रहा है। मोंगूज भी कह रहा है मान जा अगर मैं खुल गया तो तू निकल लेगा, पर कुत्ता कहाँ मानने वाला है, वो तो लगा धमकी देने। तो बस मोंगूज भी अपनी औकात में आया और कुत्ते की नाक से लटक गया। बेचारा कुत्ता कैसे चिल्ला रहा है, लेकिन अब बारी है बदले की। देखिए गुस्से में आग बबूला हुए कुत्ते ने कैसे मोंगूज को एक ही बार में ओम फट स्वाहा कर दिया, मतलब तो आप समझ गए होंगे। नंबर टेन, यहाँ तो एक के साथ एक फ्री, मतलब दो दो कुत्ते मोंगूज को सबक सिखाने में लगे हुए हैं। वो क्या है ना कि इसके भाई ने उनके भाई को काटा था तो गुस्सा आना तो बनता है। नंबर इलेवन, इस मोंगूज का पारा तो चढ़ गया है इसलिए अकेला ही लंबी टांग वाले इन दोनों कुत्तों को धमका रहा है, निकलो यहाँ से निकलो, मेरा भी भाई मरा था, निकलो। नंबर 12, ओह भाई साहब इन दोनों ने तो कीचड़ के अंदर ही कमल खोज लिया, अरे मतलब मोंगूज खोज लिया। ओ भाई इस कुत्ते ने तो मोंगूज को उछाल कर सीधा पानी से घास के मैदान में लैंड करवा दिया, वाह क्या स्पीड है नहीं। वेल अब बारी है इनकी लड़ाई की जो बहुत लंबी चलेगी, इसलिए हम दूसरी क्लिप देखते हैं। नंबर 13,
यहाँ आइए और देखिए कैसे ये लंबी टांग वाला कुत्ता अपने दोस्त के हुए अपमान का बदला ले रहा है और मोंगूज को जमकर फटकार रहा है। मालिक भी दूर खड़ा देख रहा है, लेकिन जब मालिक साहब को लगा ना कि इसके बस की बात नहीं है तो वो कुत्ते को वापस लेने आ गया। नंबर 14। चलिए अब आपको दिखाते हैं अब तक की सबसे खतरनाक फाइट। एक तरफा हो सकती है पर दिखाते हैं। यहाँ मोंगूज लिजार्ड को पकड़कर घसीट रहा है। असल में इस लिजार्ड का आज अंतिम दिन है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे मोंगूज अपना खाना तैयार कर रहा है। नंबर 15। यहाँ तो मोंगूज लाला ने गिरगिट पर हमला कर दिया। अभी तो मोंगूज चला गया, लेकिन ये देखिए मोंगूज लौटा और सीधा गिरगिट की पीठ पर बैठ गया और ये गिरगिट का खेल खत्म। नंबर 16। इन मोंगू ने तो भैया को दौड़ा दौड़ा कर बिल्ली की तरह हालत टाइट कर दी। बेचारी कभी इस गाड़ी के नीचे तो कभी इस चरखे के पीछे। कसम से बिल्ली अपने घर जाकर कह रही होगी आज तो बाल बाल बच गई। वो कालिया का गुंडा पीछे ही पड़ गया था और पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। नंबर 17। दोस्तों मंगूज का शरीर जितना छोटा होता है ये भागने में उतना ही फुर्तीला होता है। इसकी आंखों के साथ साथ इसके कान और सूंघने की शक्ति भी बड़ी तेज होती है। अब देखिए इस मोंगूज को देखकर चूहा जो है वो अपने बिल में घुस गया, लेकिन मोंगूज की नजर उस पर पड़ चुकी है। अब खुदाई का काम शुरू कर दिया है। आप देखिएगा जब तक ये मोंगूज उस चूहे को निकालकर अपनी भूख शांत नहीं कर लेगा तब तक चैन नहीं लेगा। देखिए। नंबर 18। यहाँ मेढक को भी पता है कि अगर मैंने हार मानी तो आज के बाद अपनी लैला को शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए मेढक बराबर उछल उछल कर मोंगूज से दूर जाने की प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। नंबर 19। आपको क्या लगता है कि मोंगूज चट्टान के अंदर अपनी दिलरुबा के साथ चुम्माचारी कर रहा होगा? जी नहीं, ये तो बड़े से मेढक को बिल से बाहर निकालने का काम कर रहा है। देखिए नंबर 20। ओ माय, ये मोंगूज इतने ध्यान से किसे देख रहा है? अरे नहीं पिद्दी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओह, ये तो मेढक को खा रहा है। शुक्र है, वरना आज हमारे पीछे ही पड़ जाता। नंबर 21। वैसे एक और मेढक जो अभी बलि का बकरा बनने वाला है, देखिए कैसे मोंगूज लाला उसे खींच खींच कर अपने इलाके में बुला रहा है, जबकि मेढक बार बार कह रहा है नहीं अफसर गनी, नहीं मैं नहीं आऊंगा। पर अफसोस कि मेढक की एक ना चली और उसकी कहानी खत्म हो गई। वैसे हमारी कहानी भी लगभग खत्म होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको मोंगूज के ये हमले और कभी कभी हुई उसकी पिटाई पसंद आई या नहीं कमेंट करके बताइए। लेकिन फिलहाल इस क्लिप पर नजर डालिए क्योंकि अब तक की यह सबसे बेस्ट क्लिप है। नंबर 22। जी हाँ, यहाँ मोंगूज अपने सबसे बड़े दुश्मन से भिड़ने वाला है। आपको पता है ये सांप ऊपर देखकर क्या कर रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फाइट के लिए तैयार हो रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले से कह रहा है कि हे प्रभु, आज मुझे यम दिख चुके हैं, मैं थोड़ी बहुत देर में आपके पास आने वाला हूँ, द्वार खुले रखिएगा और कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। इतना कहते ही दोनों के बीच द्वंद्व शुरू हो जाता है। पहला हमला सांप का, दूसरा मंगूज का। लेकिन मंगूज ने जब अपना अगला हमला किया तो सांप को हिल्ला पानी नहीं बैठा और वो पहली ही बार में चारों खाने चित हो गया। थोड़ी बहुत सांस थी जो दूसरे हमले से निकल गई। फिलहाल ये सांप मंगूज के लिए फ्राइज का काम कर रहा है। बेचारा सांप ऊपर से देख तो सब रहा होगा। भगवान इसकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दें। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन फिर से मिलेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।